आज से कुछ दिन पहले कुछ नारुतो फैंस पेन के हिंदी डब वॉइस को चेंज करवाना चाहते थे और अब फाइनली दोस्तों वॉइस चेंज हो चुका है। पर क्या ये सचमुच खुश होने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों जो वॉइस है वो अच्छी नहीं है, मतलब कि बेकार है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अब हम पेन की न्यू वॉइस के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, पर दोस्तों इससे एक सवाल आपके मन में आया होगा कि क्या यही डबिंग हमें पेन आर्थ में भी देखने को मिलेगी, या फिर इस वॉइस को भी चेंज किया जाएगा, या फिर इस वॉइस को भी रिप्लेस किया जाएगा। वेल, हम सब कुछ के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सभी नाउटो फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, पर सबसे पहले कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ट्रू नाउटो लवर हो तो सब्सक्राइब के बटन पर रनसिंग अनफेको या 106 पर सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग फैक्टोरियल। नाउटो शिपुडेन हिंदी डब के न्यू एपिसोड में न्यू पेन के वॉइस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे सुनने के बाद सभी नाउटो फैंस एक ही सवाल पूछना चाहते थे, ये क्या है, ये तो चट्टी है। देखो, अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे चले, जब पेन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था और जब हम उसकी वॉइस को पहली दफा सुने थे, तब दोस्तों कुछ फैंस ने इसे क्रिटिसाइज किया था। और मैं आपको बता दूं कि सचिन बोली सर ने वॉइस दिया था पेन को। देखो, फर्स्ट टाइम जब पेन की वॉइस को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तब मैंने कहा था कि नहीं, पेन की वॉइस ठीक है। मैंने खुद सचिन बोली सर से बात किया, मैंने पूछा, सब कुछ के बारे में बताया भी, पूछा भी, मतलब बहुत बात हुई हमारी। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन बोले सर जो है वो एनिमे सीरीज में उतना वॉइस नहीं देते हैं। दोस्तों पेन के ऊपर सचिन बोले सर की वॉइस ठीक थी। अब देखो, उस टाइम जो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो इस वजह से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था पेन का वॉइस, वो इस वजह से क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहीं पर रिव्यू देख लिया हिंदी डब का। देखो, जो हिंदी डब में एनिमे नहीं देखता है, उससे हिंदी डब का रिव्यू लेने जाओगे तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर हाँ, मैं मानता हूँ की बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले पेन की वॉइस थोड़ी सी ढीली लग रही थी, जिस वजह से कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। पर दोस्तों, उस वक्त क्रिटिसाइज किया आपने तो आपकी वॉइस पूरी हुई, वॉइस को चेंज किया गया। देखो, पेन की न्यू वॉइस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, पर दोस्तों इस न्यू वॉइस को सुनने के बाद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ओल्ड वॉइस ही बेस्ट है। पर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, पर क्या सचमुच चिड़िया चुग गई खेत या अभी भी चुग ही रही है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आखिर मामला क्या है। पर उससे पहले दोस्तों, मैं आपका ओपिनियन पूछना चाहता हूँ कि आपको डबिंग कैसी लगी, मतलब कि पेन की जो न्यू वॉइस है वो आपको कैसा लगा, क्या बढ़िया लगा या पुराना वाला बढ़िया था, ये दोनों ही बेकार थे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देना। देखो गाइस, पेन की वॉइस भले ही अच्छी ना हो, पर पेन की टी शर्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हो अपने सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। और हाँ, जब बाय करो तो फैक्टोरियल 10 कोड यूज कर लेना, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस डिलीवरी आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो जाओ, खरीदो, पहनो, एंजॉय करो। वापस आते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक पर। देखो, पेन की वॉइस बेकार है, पेन की वॉइस चेंज हो गई है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या यही डबिंग हमें पेन आर्क में भी देखने को मिलेगी या नहीं। अब देखो, ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है अगर आपको पेन की ये न्यू वॉइस अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दोस्तों ये एक टेम्परेरी वॉइस हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ एपिसोड्स के बाद आपको वही ओल्ड वॉइस सुनने को मिल जाए, यानी कि सचिन बोले सर की वॉइस। सचिन बोले सर तो दोस्तों थिएटर्स में हिला कर रख देते हैं लोगों को अपनी डबिंग के साथ। तो दोस्तों, जो बंदा थिएटर्स में हिला कर रख सकता है, तो वो मोबाइल और टीवी पर लोगों को हिला कर क्यों नहीं रख सकता है? आप मौका तो दो। वेल, पर अगर मेरी मानो तो मेरे ख्याल से ये एक टेम्परेरी वॉइस है, मतलब कि दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डबिंग चेंज हो जाएगा, आने वाले एपिसोड्स में हमें बेस्ट डबिंग देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेन आर्क मस्त होने वाला है, आप उसकी टेंशन मत। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि नारुतो या नारुतो शिपुडेन में किसी वॉइस को टेम्परेरी वॉइस के तौर पर रखा गया हो, मतलब कि दोस्तों काफी कैरेक्टर्स के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है कि एक दो एपिसोड्स के लिए वॉइस चेंज होता है और वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों ऐसा हो सकता है कि सचिन बोले सर का शेड्यूल बिजी हो, तो किसी टेम्परेरी वॉइस आर्टिस्ट को बुलाया गया हो, फिर डब करवाया गया हो, मतलब कि ऐसा हो सकता है और आने वाले एपिसोड्स में हमें वापस से वो ओल्ड डबिंग देखने को मिल सकता है। पर हाँ, एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि ये डबिंग हमेशा के लिए रह जाए, पर ऐसा ना हो तो ही बेहतर है। बाकी आपको डबिंग किसकी बेहतरीन लगती है कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर भी एनिमे और एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहेगा। आई होप आपके मन में जो डॉट हो कि पेन आर्ट में हमें यही डबिंग देखने को मिलेगा या फिर न्यू आएगा, वो डॉट आई थिंक क्लियर हो गया हो। और अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अपना ओपिनियन देना मत भूलना डबिंग को लेकर। और हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने जो नारुतो के मूवीज के रिलेटेड वीडियो आ रहा है, इसे भी देख लेना। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं भी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो फैक्टोरियल।